नमस्कार गुड इवनिंग आदा पोस्ट कोविड केयर एंड रिकवरी श्रृंखला में मैं अनु सोगानी, सेवार सिटी और टीम सिटी लाइव की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं कोविड uh, रिकवरी की के फेज के बारे में उस दौरान हमारे खान पान और हमारे डाइट के बारे में हमने सुना है कि कोविड रिकवरी में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है हमारे खान पान के तरीके और खान पान की आदतों का और इसीलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन हमारे मन और मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इसी विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए और परामर्श के लिए हमारे साथ हैं न्यूट्रिशन एजुकेटर मयंका सिंघल जी आपकी जन्मभूमि है झीलों की नगरी उदयपुर जहां से अपनी प्रारंभिक शिक्षा और स्नातक करने के उपरांत आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण करी और उसके पश्चात पिछले चौदह वर्षों से कोलकाता को अपनी कर्मस्थली के रूप में अपनाया है मयंका जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत नमस्ते थैंक यू पिछले चौदह वर्षों से एजुकेशन न्यूट्रिशन एजुकेटर के रूप में मयंका uh, जी ने अपने क्लाइंट्स को विशेष तौर पर डायबिटीज हाइपरटेंशन लिवर प्रॉब्लम्स और थायराइड की प्रॉब्लम्स से जुड़े डाइट प्लान्स को मैनेज करती रही हैं और आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन uh, है हेल्थ जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जिसके अंतर्गत आप अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं आपका एक बार पुनः स्वागत थैंक यू थैंक यू हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला और एक बेसिक क्वेश्चन जो आपसे है का, कि जब भी आज भी इस दौर में भी हम जैसे ही डाइट या डाइटिंग शब्द हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज आती है घी तेल छोड़ दें हम नमक कम खाएं हम मीठा ना खाएं हम कम मात्रा में खाना खाएं तो जो मैं जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए वो सबसे पहली बात ये कि क्या एक ये सत्य है या एक भ्रांति मात्र है सबसे पहला और जरूरी क्वेश्चन थैंक यू अनु थैंक यू सिटी लाइफ ये मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और अपने वर्क एक्सपीरियंस और uh, को शेयर आप लोगों के साथ कर पाऊं Uh, क्योंकि आज की तारीख में जैसे आपने बोला डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और उसके क्योर के लिए भी दोनों तरह से डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस चीज़ को लेके इतनी ज्यादा लोगों में गलत धारणाएं हैं क्योंकि इसकी जो नॉलेज है वो क्या बोल इतना राइफ है इतनी ज्यादा नेट पे या लोगों के सबकी अपनी अपनी इतनी ओपिनियंस हैं कि लोग बड़े कंफ्यूज हैं इसको लेके कि हमको करना क्या चाहिए तो जैसे आपने सही बोला कि जैसे ही डाइट को ठीक करने की बात आती है लोग बोलते हैं कि चलो घी तेल बंद कर देते हैं चीनी बंद कर देते हैं माइंडलेसली किसी भी चीज को बंद कर दिया या किसी भी चीज को ज्यादा खा लिया फ्रूट सैलड्स को ज्यादा खाने लग गए तो इस तरह का वो करके उनको लगता है कि हम अपनी हेल्थ के लिए ठीक कर रहे हैं पर डाइट जो है डाइट आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डाइट कभी भी खाना कभी भी अकेले में काम नहीं करता है सिर्फ घी तेल अकेले काम नहीं करता चीनी अकेले काम नहीं करती खाना पूरा एक साथ काम करता है सिनर्जी में काम करता है एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर होता है दूसरे का एब्जॉर्बन तीसरे के साथ होता है तो खाना जब हम सही मात्रा में सही क्वांटिटी में सही कॉम्बिनेशन से खाते हैं तब उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं माइंडलेसली किसी भी चीज को फैट या तेल को या घी को कम कर देना सही नहीं है यूजली लोग यही करते हैं और फैट और तेल की स्पेशली हम बात करें घी या तेल की हम स्पेशली बात करें तो इसके अंदर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है आप किस क्वालिटी का खाना किस क्वालिटी का तेल और घी यूज कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है इसके बनस्पत की आप कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हो यूजली क्योंकि हम अगर तेल और घी कम करना चाहते हैं तो लोग बड़ा खुश होते हैं कि हमने फ्राइड खाना बंद कर दिया है तो घर का फ्राइड लड्डू या मछली खाना तो लोग बंद कर देते हैं पर उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती अगर दो पीस चिप्स के उठा लिए पैकेट के या दो बिस्किट हमने चाय के साथ खा ली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब जबकि भले ही आपके दो चिप्स में क्वालिटी क्वांटिटी कम गया पर क्वालिटी बहुत खराब गई आपने घर के मच्छी खाई क्वांटिटी हल्की ज्यादा हो सकती है पर आपको वो पता है कि वो क्या क्वालिटी का है तो घी तेल में हमेशा क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी ज्यादा सिमिलरली चीनी में भी यही है अगर हम चीनी बंद करने के लिए या कम करने के लिए बोलते हैं तो जो आपको चीनी कम करनी है वो पैकेट फूड की चीनी कम करनी है आपके बिस्किट्स की आपके सॉसेस जो रेडीमेड सॉसेस मिलते हैं मार्केट में उसमें जो चीनी है वो कम करनी है अगर आपने अभी अपनी हफ्ते भर पहले की न्यूज से अगर आपने देखा होगा तो इवन अभी जो शहद में जो आपके चीनी वगैरह मिलती है या इवन अः हनी में भी अब आजकल मिलावट के वो आ गए हैं सामने चीजें आ गई हैं कोई भी चीज अगर मास प्रोडक्शन में होगी कोई भी चीज अगर फैक्ट्री से बन के आ रही है तो आप आप आँख बंद करके मान सकते हो कि वो क्वालिटी मेंटेन कर ही नहीं सकते उसके अंदर उसके अंदर सिंथेटिक चीनी मिलाई जा रही है जो आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान करेगी तो क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए क्वांटिटी की जगह ये एक आपने मयंक का बहुत ही अच्छी बात कही है कि डेफिनेटली uh, घर की चीजें हमें ज्यादा uh, चाहे हम उसको एक पीस ज्यादा खा ले लेकिन फिर भी वो हमारी हेल्थ को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना कि बाजार का खाना बिल्कुल हम आज के हमारे विषय पे आते हैं पोस्ट कोविड रिकवरी में एक बहुत जरूरी तथ्य बहुत जरूरी एलिमेंट जो है वो है हमारे डाइट का हमारे खाने का तो इसमें मैं ये जानना चाहती हूं कि किस तरह की डाइट हमको इस तरह के लोगों को या रिकवरी फेज वाले पेशेंट्स को देनी चाहिए और इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न है कि क्या ये जो भी डाइट हम लेते हैं या देते हैं ये एज स्पेसिफिक माने आयु वर्ग के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए या ये सब के लिए एक तरह की हो सकती है करेक्ट uh, एक तो अनु अभी क्या हुआ है कोविड की वजह से जो एक बहुत ओवर यूज टर्म हो गया है वो है इम्यूनिटी आज हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है कि इम्यूनिटी आप अपनी स्ट्रांग रखिए तो कोविड नहीं होगा इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए तो पोस्ट रिकवरी आपकी भी वो भी पोस्ट रिकवरी कोविड पोस्ट रिकवरी भी आपकी फास्ट होगी जो सही है पर इम्यूनिटी के नाम पे जो लोग माइंडलेसली चीजें करने लग गए हैं वो गलत है तो आपको पोस्ट रिकवरी या कोविड से बचने के लिए दोनों चीज में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे पहले बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है अपने डाइजेशन को ठीक रखना आपका पोस्ट रिकवरी और प्री कोविड दोनों में आपका डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि डाइजेशन से ही आप जो भी खाना खा रहे हो वो करेक्ट जगह पे पहुंचेगा और आपकी इम्यूनिटी को वो ही स्ट्रॉन्ग करेगा इवन पोस्ट रिकवरी भी आपकी इम्यूनिटी को आपका डाइजेशन ही आप आपको करेक्ट रिकवरी देगा तो आपको डाइजेशन को सही रखना बहुत जरूरी है उसके अंदर ए नंबर वन अगेन आई रिपीट कि आप घर का खाना ही खाइए पोस्ट रिकवरी भी आप घर का खाना खाइए जो सीजन में अभी खाना है आप वो खाइए अभी जैसे आपका विंटर्स सर्दियों का सीजन आ गया है तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी अपनी खाने में बढ़ा रखिए इवन पोस्ट मेंिकवरी जिन लोगों को प्रॉब्लम वगैरह होने लगा है आप अपनी आप आप अपनी ध्यान रखें कि दिन में कम से कम तीन से चार चम्मच घी आप जरूर खा रहे हो चाहे ये पोस्ट का पोस्ट कोविड आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हो चाहे आपके ये आ, 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 आपकी कोविड के बाद में आपका रिकवरी का फेज हो तीन से चार चम्मच आप घी जरूर दिन में खाइए देसी का गाय घी आप जरूर उसमें अपने खाने के साथ मिला के खाइए ताकि आपका विटामिन डी एब्सॉर्बेशन भी प्रॉपर हो विटामिन डी आजकल नॉर्मली लोगों में कम आता है और वो इसीलिए कम आता है क्योंकि लोगों की क्वालिटी ऑफ़ फैट कम गिर गई है सही क्वालिटी का आप घी और तेल नहीं खाते हैं इसलिए आपका विटामिन डी आपकी बॉडी में यूजुअली कम होता है विटामिन डी पे आप विशेष करके ध्यान रखिए ताकि आपका जॉइंट्स वगैरह में पेन नहीं हो पोस्ट रिकवरी सेकंड आपका कोविड में मसल लॉस बहुत होता है आपकी मसल्स बहुत आपकी वीक हो जाती हैं लोगों को वीकनेस रहना एक एक महीना दो-दो महीना वीकनेस रहना बहुत कॉमन सिम्टम है कोविड की में उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन रिच खाना खाएं जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप होल दाल खाएं मतलब दाल आ, स्प्लिट uh, दाल की खाएं। हाँ कुटी भी ना खाएं होल दाल खाएं तो डेली और हर वैरायटी की दाल खाएं मूंग है मोगर है राजमा है छोला है आपके चंगले हैं हर तरह की दाल बहुत तरह के मसूर दाल है हर तरह की दाल आती है आप वो दाल आप जरूर दिन में एक बार ही वो दाल जरूर खाएं होल दाल और उसका करेक्ट तरीका यह है कि आप उस दाल के एब्सॉर्बेशन को बढ़ाने के लिए आप उसको ओवरनाइट सोक करें उसको थोड़ा सा स्प्राउट होने के लिए रखें और फिर वो स्प्राउटेड दाल खाएं स्प्राउटेड दाल को कच्चा खाने की जरूरत नहीं है वो स्प्राउटेड दाल को आप नॉर्मल दाल की तरह बना के खा सकते हो तो इस तरह की स्प्राउटेड दाल खाने से आपका आपका प्रोटीन आपके बॉडी में बढ़ेगा और आपको जो मसल वेस्टिंग हुई है वो आपकी रिकवर होने लगेगी थर्ड अभी इस सीजन में जो बहुत अच्छा एक है कि इस सीजन में भी आपको रूट्स वेजिटेबल जो जमीन में उगने वाली वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज्यादा अभी मिलती हैं जैसे अरबी रतालू आपका गाजर मूली और शकरकंदी चुकंदर इस तरह की वेजिटेबल्स वीक में तीन से चार बार जरूर खाएं इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शन होता है एक होता है प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन अगर आप अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का जो काम करना है मसल्स को बनाने का प्रोटीन वो काम कर पाएंगे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी आपके खाने में ठीक नहीं होगी तो प्रोटीन अपना जो बेसिक काम है उनका मसल्स को बढ़ाने का वो काम नहीं कर पाएंगे तो वीक में तीन से चार बारी आप ये जमीन में उगी हुई वेजिटेबल्स को जरूर खाएं चाहे आप डायबिटिक हो चाहे आप हाइपरटेंसिव हो आप ये वेजिटेबल्स आराम से खा सकते हैं इस सीजन में ये वेजिटेबल सीजन में है ये वेजिटेबल्स आप जरूर खाइए थर्ड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स हमको पता है कि हम सबको ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए पर अपने आप को सिर्फ पालक और मेथी पे रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखें हर तरह का वेजिटेबल्स खाइए ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स अभी बहुत तरह की मिलती हैं मूली का साग मिलता है अभी चोलाई का साग मिलता है चने का साग मिलता है बहुत अलग अलग तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स मिल रहे हैं जो भी आपके वहां लोकली मिलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स उनको जरूर खाइए और वैरायटी का खाना खाइए तो इस तरह का खाना और कभी भी किसी भी तरह के खाने को रेस्ट्रिक्ट मत करिए आप हमेशा ये देखिए कि आप दाल और चावल का कॉम्बिनेशन या दाल और रोटी का कॉम्बिनेशन साथ में खाएं ये नहीं कि क्योंकि मुझे वेट नहीं गेन करना है तो मैं चावल नहीं खाऊंगी या रोटी नहीं खाऊंगी और सिर्फ दाल खा लूंगी या दाल और सैलेड खा लूंगी वो करेक्ट डाइट नहीं है दोनों को हमेशा सही क्वांटिटी में मिक्स करके खाइए उसमें जितना क्वांटिटी आपको घी या तेल की मात्रा की जरूरत है उसको डाइजेशन के लिए उतना आप घी तेल भी यूज करिए खाने में घी तेल को कंप्लीटली अवॉइड मत करिए और खाने के बीच में हमेशा इस तरह का स्नैक जैसे आपकी वेज कोई भी फ्रूट हो गया या कोई भी आपका जमीन में वाली वेजिटेबल्स हो गई गाजर मूली तरह खाने के बीच में इन इन सब चीजों को जरूर खाइए तो इस तरह से आपकी एक बैलेंस डाइट मेंटेन होगी और आपको रिकवरी में आसानी होगी ये आपने एक मयंका बहुत अच्छी बात बताई कि हमको जो भी खाना है वो बैलेंस में माने रोटी सब्जी या दाल चावल दोनों मिक्स करके खाना है क्योंकि आजकल यूजुअली हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जने एक दिन केवल कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं एक दिन केवल प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपका जो पॉइंट है वो यही है कि हमें दोनों तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बैलेंस करके मिक्स करके रोज में लेना लेते रहना चाहिए उसको हमें हाँ। रोज में क्योंकि खाना हमेशा सिनर्जी में काम करता है आप अकेला एक कार्बोहाइड्रेट लेंगे कार्बोहाइड्रेट लेंग, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो काम नहीं करेगा सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो भी वो काम नहीं करेगा आप अपनी जैसे आजकल कीटो डाइट का चलन है तो उसमें फैट ज्यादा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं तो वो भी सही नहीं है वो भी लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं तो कोई भी डाइट जो सस्टेनेबल हो जो भी आप हमेशा के लिए यूज कर सके वो डाइट अपनाइए दूसरा एक जरूरी पॉइंट जो आता है हम देख रहे हैं कि आजकल पहले एक रिसर्च थी कि यंग लोगों को नहीं होगा कोविड सिक्सटी प्लस वालों को ज़्यादा होगा ये होगा ऐसा होगा तो इसमें अब जब सब तरह के सब एज ग्रुप के लोग अब इसमें पेशेंट्स हो रहे हैं और यूजुअली आजकल जो हमारे साथ डायबिटीज हाइपरटेंशन टेंशन हार्ट प्रॉब्लम्स ये सब है ये हम ये देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र से लोगों को ये सारे तरह के डिजीज़ेस रोग जकड़ लेते हैं तो पोस्ट कोविड जब हम डाइट की बात करते हैं तो इस तरह के स्पेशल केसेस या जिनकी ऑलरेडी कोई मेडिकल हिस्ट्री है उनके लिए कोई स्पेशल डाइट की जरूरत है या हम रेगुलर जो डाइट आपने जो ऐसा अभी बताया हमको जिस तरह से उसको फॉलो करके चल सकते हैं देखिए जैसे मैंने आपको कहा कोई भी अब ये टर्म ऑब्सिलीट हो चुका है कि आप एक ये डायबिटिक डाइट है ये हाइपरटेंसिव डाइट है ऐसा नहीं है अभी जो भी डायबिटिक भी, भी हो हाइपरटेंसिव भी हो उनकी भी वही नॉर्मल डाइट होती है जो कि नॉन डायबिटिक या नॉन हाइपरटेंसिव लोगों की होती है डाइट वही सेम रहती है सिर्फ उनको ये ध्यान रखना होता है कि उनको अपनी एक्टिविटीज उसके हिसाब से थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। अगर उनको देखिए हेरिडिटी की वजह से अगर वो उनका है तो उनके चांसेस उसको Uh, आज के खाने पा, आज के खान पान की वजह से ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स को फोर्टीज में हुआ है तो उनको थर्टीज में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो बच्चों से अगर हम बच्चों से शुरू करें तो हमको सबसे पहले उनकी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान में रखना है और उनको हमको घर के खाने की आदत डालनी है यूजली मैं आजकल देखती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स ये सब देने में हेजिटेट नहीं करते हैं बच्चा जरा सा जिद करता है या वो लोग बाहर है आउटिंग में है या बिजी है तो बच्चों के लिए चिप्स कोल्ड ड्रिंक बिस्किट्स इन सब के स्टॉक घर में रखते हैं कि बच्चे को जब भी भूख लगेगी वो जब तंग कर रहा है उसको आपने एक चिप्स का या एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया तो वो चुप हो गया या जूस का पैकेट पकड़ा दिया तो वो वो अपना खा रहा है और वो खुश है तो इस तरह की ईटिंग हैबिट्स बच्चों में डेवलप नहीं करें अगर जब लॉकडाउन हुआ था आपको ध्यान होगा मार्केट से मैगी गायब हो गई थी मैगी मिली नहीं रही थी क्योंकि लोगों ने उसको स्टोर कर करके रख लिया था उन्होंने जितनी मैगी शायद वो पूरे साल भर में नहीं खाते उन्होंने वो लॉकडाउन के दो महीने में खा ली क्योंकि नहीं मिलेगी अरे बच्चों को क्या देंगे हम लोग क्या खाएंगे घर में खाना बनाने का एक इतना बड़ा प्रेशर uh, क्रिएट हो गया कि लोगों ने ये सब रेडी टू ईट स्नैक्स को और खाने को घर में स्टोर कर करके रख लिया इससे इम्यूनिटी इंप्रूव होने की जगह इम्यूनिटी सबकी डाउन हो गई इम्यूनिटी क्यो, और क्योंकि एक्टिविटीज वगैरह भी कम थी तो बच्चों की भी इम्यूनिटी लो हो गई इसीलिए जो इनिशियल रीडिंग थी कि बच्चों को नहीं होगा क्योंकि बच्चे यूजुअली एक्टिव रहते हैं उनकी इम्यूनिटी उनका डाइजेशन बेटर होता है तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बेटर रहती है हमेशा तो उनका नहीं होने की और ये सब खाने की वजह से अब ये बच्चों को भी होने लग गया क्योंकि बच्चों की भी इम्यूनिटी घर में रहने की वजह से विटामिन डी लो होने की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी भी लो हो गई सेकेंड अगर आप को है आपकी कोई ऑलरेडी आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो तो डेट मीन आपका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है और उसके ऊपर से अगेन आपकी डाइट अगर ठीक नहीं है अगर आप फिर से यही आप रेडीमेड फूड पैकेट फूड और घर का खाना कम खा रहे हो रेडीमेड फूड ज्यादा खा रहे हो तो अगेन आप ज्यादा ससेप्टेबल हो जाओगे इस वायरस के क्योंकि ये वायरस सबकी बॉडी में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है आप अगर अगर आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है अगर आपका डाइजेशन स्पेशली कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपके चांसेस चांसेस ऑफ कैचिंग दिस वायरस इज मोर ऑफ डेवलपिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम दिस दिस चांस ऑफ इज लेस आप एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज डेवलप नहीं कर पाओगे तो कई केसेस में आप इनके इसके रिलैप्स के भी आप केसेस uh, uh, सुन रहे हो कि, कि कई लोगों में ये आफ्टर विद इन टू वीक्स और समथिंग रिलैप्स भी हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट रिकवरी डाइट या उन्होंने पहले से ही उनकी डाइट या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था तो आपको अपनी डाइट में हमेशा यह ध्यान रखना है सिंपल एक फॉर्मूला है कि घर की बनी हुई आप घर घर का बना हुआ खाना खाइए जो अभी सीजन में अवेलेबल है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए बाहर का खाना या कोई भी पैकेट से खुलने वाला खाना कम खाइए या मत खाइए घर में स्टोर करके एटलीस्ट मत रखिए उन सब चीजों को एक आपने अपने इस चीज को बताते हुए ही मेरे अगले क्वेश्चन का करीबन करीबन आपने जवाब दे ही दिया कि एक जो हम बात सुन रहे हैं एंटीबॉडी डेवलपमेंट की तो ये एंटीबॉडीज जो डेवलप हो रही हैं हमारे शरीर में पोस्ट कोविड इसमें डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल हम मानते हैं कि होता है होना चाहिए दिस इज वॉट आप भी कहना चाह रही थी शायद हुँ, हुँ, हुँ. तो वॉट एवर यू ईट इज वॉट यू आर जो आप खाओगे वही आप है वही आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा तो अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी कोई भी आपकी बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं एंटीबॉडीज बन रहे हैं अल्टीमेटली आपके खाने से ही वो चीज बन रही है जो आप खा रहे हो उसी चीज से आपकी बॉडी के सेल्स बन रहे हैं तो अगर आप अच्छा क्वालिटी का खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी में अच्छी क्वालिटी ऑफ हॉर्मोन्स और एंटीबॉडीज बनेंगे अगर आप बैड क्वालिटी खा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका बैड क्वालिटी बनेगा सिमिलरली आपका मेंटल हेल्थ भी उसी हिसाब से होगा आपके हेल्दी खाने से ही आपके हार्मोन्स बनेंगे हार्मोन्स आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है वही हार्मोन्स तो अच्छी क्वालिटी के हार्मोन्स बनेंगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ठीक रहेगा एक जो हम आजकल हमारे युवा वर्ग में देख रहे हैं जो हमारे लेट टीन वाले टीन के बच्चे हैं उनमें देख रहे हैं कि हर चीज ट्रेंडिंग हो जाती है तो उनमें आजकल डाइट भी एक बहुत फैशन के तौर पे लेने लगे हैं कि मेरी फ्रेंड ले रही है तो मैं भी ले मेरा फ्रेंड वर्कआउट करता है तो मैं भी करूं सब करूं तो स्पेशली इस टीनेज वाले ग्रुप के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे मैं आज के बच्चों को यही आ, अपनी तरफ से एक यही गाइडलाइंस दूंगी कि कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आप इसको हमेशा सस्टेन नहीं कर सकते हो आप इसको लॉन्ग टाइम में नहीं आप इसको निभा सकते हो वो चीजें आप स्टार्ट वो खाना आप स्टार्ट मत करिए आप चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स पे आप हमेशा नहीं रह सकते हो वो खाना आप कम खाइए या किसी भी तरह की डाइट जो आपने नेट पे पढ़ ली है या आपने किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हुए देख लिया है कि वो आज कीटो डाइट पे है तो उसने इतना वेट लूज कर लिया या एक पर्टिकुलर बॉडी इमेज से आप इफेक्ट मत होइए कि आज Uh, उसका साइज ये है या उसकी बॉडी इमेज ऐसी है सब लोग इसी साइज के होने चाहिए ये सही नहीं है हम सब अपने अपने बॉडी टाइप से बॉर्न हुए हैं कोई ज्यादा पतला रहता है कोई ठीक रहता है कोई थोड़ा मोटा दिखता है दैट इज ऑल ओके सबकी अपने अपने बॉडी टाइप है सब लोग एक बॉडी साइज में फिट नहीं हो सकते हैं ये बात को आप अपनी बॉडी आपकी जैसी है उसको एक्सेप्ट करिए पर हम सबका हक है एक हेल्दी बॉडी का तो हेल्थ पे फोकस करिए कि आप क्या करके क्या खाके और क्या आपको आप कैसे हेल्दी फील करते हो अगर आप एनर्जेटिक फील करते हो आप हमेशा खुश फील करते हो आप अच्छे से सो पाते हो आपको नींद प्रॉपर आती है ये साइन है आपके एक हेल्दी बॉडी के अगर आप चिड़चिड़े रहते हो आपको नींद नहीं आती आपका स्लीप्ड है आपको uh, हैं तो उनको uh, है, को अगर अपना अः uh, हॉर्मोनल है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स आपके खाने पीने में या आपकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है जिसको आपको ठीक करना है आप वो ही चीज फॉलो करिए जो आप हमेशा के लिए सस्टेन कर सकते हो आप कोई भी डाइट ट्रेंड्स या बॉडी इमेज से इन्फ्लुएंस होके अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज मत करिए वो उनके लिए जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर साइज में होना पर्टिकुलर शेप में होना उनका बिजनेस है उनको इसी चीज पे पैसे मिलते हैं तो वो हर चीज ट्राई करना अफोर्ड कर सकते हैं दैट इज नॉट अर्निंग फॉर अस हम लोगों को अपना काम करना है हमको अपना खाना पीना हमको अपनी पढ़ाई करनी है हमको अपने एग्जाम्स देने हैं हमको अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना है वी हैव दिस थिंग्स टू डू वी कैन नॉट पूरे टाइम हम ये नहीं दिमाग लगा सकते हैं कि मैं ये खाऊं वो नहीं खाऊं उनके पीछे चार लोग लगे हैं तू अब ये खा ले तू अब वो मत खा हमारे पीछे नहीं लगा है हम रिस्पॉन्सिबल अपनी हेल्थ के लिए खुद हैं तो आप उनसे इतना इन्फ्लुएंस मत होइए आप अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में रखिए और वो ही खाइए जो आपके घर में बनता है सीजन का खाना खाइए मम्मी जो आपको बोलती हैं कि ये इस सीजन में मे और बाजरा खाना चाहिए तो प्लीज ट्राई करिए चाहे आपको पसंद हो कि नहीं तो एक बार ही ट्राई जरूर करिए ये सब चीजें ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही मयंका की <laughs> बच्चों को ये जानना जरूरी है कि किसी बॉडी साइज में किसी फिगर में फिट होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट अभी प्रायोरिटी जिंदगी में हमारी पढ़ने की है हमारे करियर पे फोकस करने की है सेलिब्रिटीज के पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं अफोर्ड पीपल हम नहीं कर सकते हैं आगे। आगे। uh, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी एक्सपर्ट एडवाइस एडवाइजर मयंका से बात करने के बाद में हमारे दर्शकों की हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे और जो लोग इस कोविड से उबरने के प्रोसेस में है उनको आज के इस डाइट शेड्यूल से डाइट प्लान से डाइट फोकस से कुछ हेल्प मिलेगी मयंका uh, आपका एक बार बहुत बहुत पुनः धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और हमें इतना आ, अच्छे से इतनी इजीली सारी चीजें समझाई थैंक यू सो मच आपका आप... thank, आपका शुक्रिया अनु आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकू और सिटी लाइफ का भी शुक्रिया थैंक यू आप सभी थैंक यू